अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 20 के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो चाइनीज वर्ड है वो है गुआ, जी यू ओ गुआ। इस वर्ड को हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने चाइना के बारे में पढ़ा था कि चाइना को चाइनीज में क्या कहते हैं। तो दोबारा से देखते हैं, इसका मतलब है कंट्री यानी मुल्क, ठीक है। गुआ कैसे पढ़ने से, गुआ गुआ गुआ, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, जैसा कि पाकिस्तान है, उसको चाइनीज में पाकिस्तान नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे वो देखेंगे। इसी तरह हिंदुस्तान है, अमेरिका है, कनाडा है, चाइना है, तो इन सब को चाइनीज जुबान के अंदर कुछ और नामों से पुकारा जाता है, वो नाम हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको पता चल गया कि गुआ से मुराद क्या है, कंट्री। तो सबसे पहले आज ये हमारे पास मे गुआ, यानी जो हमने देखा था छोटी बहन के लिए मे मे, ठीक है, उसका पहला हिस्सा मे, एम ई आई मे, और उसके आगे क्या लग गया, गुआ। मे गुआ, मे गुआ मतलब अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, मे गुआ। इसी तरह हमारे पास है जी फागुआ, फागुआ मतलब फ्रांस, ठीक है, फागुआ। इसी तरह जी हमारे पास द गुआ, द कैसे, द द गुआ, द गुआ मतलब जर्मनी। इसी तरह है हमारे पास इंगुआ, इंगुआ, इंगुआ मतलब इंग्लैंड, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अफुहान, अफुहान मतलब अफगानिस्तान, अफुहान। नेक्स्ट है जी ईलांग, ईलांग, ईलांग मतलब ईरान, ठीक है। इसी तरह आउतालिया, 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 आओ ता लिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। च्यानाता, 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 ठीक है, च्यानाता मतलब कनाडा। देखा आपने कि मुख्तलिफ जो चाइनीज कंट्रीज हैं उनके जो नाम है वो चाइनीज के अंदर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ तरह से उन्हें बुलाया जाता है, उनके अपने तरीके से। तो आपको अगर किसी चाइनीज से बात करनी है तो आप उन्हें इन्हीं नामों के साथ बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा, ठीक है। इसी तरह मलाइशिया, मलाइशिया कैसे कहेंगे, मलाइशिया, मलाइशिया मतलब मलाइशिया। इसी तरह इंतु, वाई आई एन इन डी यू टू, इंतु मतलब हिंदुस्तान, इंडिया, ठीक है, इंतु मतलब इंडिया, हिंदुस्तान, इंतु। और ये लास्ट पे है जी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान को चाइनीज में कैसे कहेंगे, पाकिस्तान, बी ए पा ची जे आई ची एस आई स टी एन थान, पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान। तो दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में हमने देखा जो मैंने चंद एक कंट्रीज थी बस उनके नाम बताए, इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज हैं और इलाके हैं, हर जो शहर है उनको चाइनीज में मुख्तलिफ चाइनीज के तरीके से, चाइनीज में उनको चाइनीज में मुख्तलिफ तरीके से पुकारा जाता है, ठीक है। अगर आप उन्हें बताना चाहते हैं कि जी मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूं तो आप उन्हें कहेंगे पाकिस्तान यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान इंतु, इंग्लैंड इंगुआ, अमेरिका मैगुआ, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लाइक शेयर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।